नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। जिला चिकित्सालय में फिर से देखने को मिली है लापरवाही। कहीं ना कहीं 5 से 6 दिनों से जो मरीज है वो अस्पताल में भर्ती है, लेकिन अभी तक उन्हें बेड और भी सुविधाएं, दवाइयों की, चिकित्सा की नहीं दिलाई जा रही है, नहीं मिल पा रही हैं। और ये देखा जा रहा है कि मरीज स्वयं आवागमन वाले रास्ते में गैलरी में ही दरी बिछाकर रहने को मजबूर हैं। हरीश यादव, जिनकी पत्नी सुधा, जिनकी अस्पताल काफ़ी दिनों से, ये ग्राम माड़ा से रहने वाले हैं और इन्होंने कई दिनों से यहाँ पर दरी बिछाकर रहने की व्यवस्था कर ली है अब तो। और उन्होंने बाजार से ही स्वयं पंखा खरीद कर और अपनी पत्नी को व्यवस्थाएं देने का प्रयत्न किया है, क्योंकि प्रशासन को कई बार उन्होंने अपील की है, ये कहें कि उन्होंने प्रशासन से कई बार कहा कि हमारे लिए बेड की व्यवस्था करा दी जाए, क्योंकि उनकी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से जिला अस्पताल में वह एडमिट हैं और 5 से 6 दिनों से वो वहाँ पर ही आवागमन वाले रास्ते में ही दरी बिछा कर रहने को मजबूर हैं। तो ये कहें कि जिला चिकित्सालय की जो लापरवाही है वो किसी न कहीं ना कहीं चिकित्सा में असर करती है। और इस प्रकार से जब मरीज को आवागमन वाले रास्ते में जो मक्खी मच्छर सभी रहते हैं, तो किस प्रकार से इतनी सारी असुविधाओं के बीच मरीज ठीक हो पाएगा, सोचने वाली बात है और प्रशासन को ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि प्रशासन, जिला प्रशासन के माध्यम से ही लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती हैं। नमस्कार, अब तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज, मैं अमीषा चौहान। जिला चिकित्सालय में पंखे की शिकायत, बेड की शिकायत आ रही है, उसके संबंध में क्या कहेंगे? इस संबंध में हम जिला चिकित्सालय से सिविल सर्जन से पूछताछ करेंगे कि क्यों परेशानी हो रही है और उसकी व्यवस्था को दूर करवाएंगे अगर ऐसी शिकायत आ रही है। सर, अभी अधिकारी भी नए नए आए हुए हैं, तो क्या लगता है कि इस कारण से भी कुछ अव्यवस्थाएँ हैं या फिर ये सामान्य प्रक्रिया है? सामान्य प्रक्रिया तो नहीं होनी चाहिए, अब चूँकि थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है सिविल सर्जन वाले में, तो हो सकता है उसके कारण से हो, और ऐसा होना नहीं चाहिए, हम दिखवाएंगे इस संबंध में। सर, ये कब तक सुधार हो जाएगा? सर, एक हफ्ते में मैं बोलूँगा सुधरवा लीजिएगा। सर, ठीक सर, धन्यवाद।